अहम तहलका न्यूज। पंजाब में चुनाव प्रचार पूरे जोरों शोरों से चल रहा है और इसी के चलते पूर्व मंत्री व बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर बादल ने विधानसभा बुढ़लाडा के अकाली दल और बसपा के उम्मीदवार डॉक्टर निशांत सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब को लूटने के लिए आई है, जबकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 111 दिन के कार्यकाल में पंजाब को खूब लूटा है, जिसकी मिसाल ईडी की छापेमारी से मिलती है। वहीं इस दौरान राम रहीम की पिरोल पर भी हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि सभी को पता है कि उसे बाहर क्यों निकाला गया है और इसका लाभ किसको मिलेगा। हरसिमरत कौर बादल मानसा जिले के विधानसभा बुढ़लाडा के एक कस्बा बरेटा में अपने उम्मीदवार डॉक्टर निशांत सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुँची थी। मुकाबला था, मैंने लगता है कोई रहा ही नहीं, तुसी इत्थे उत्साह देख लो, वख वख पार्टियां दे लोकी ज्वाइन कर रहे ने, की कांग्रेसी की आम आदमी की भाजपा की कॉमरेड, अड अड पिंडा दे सरपंच मेंबर सारे हुण लंबी तो आई हैं, उत्थे भी आई सीगा, इत्थे आई है, इत्थे भी आई हैगा। अज मैं उन्हां सारिआं नूं जियाआं नूं आखदी हां ते मैं आही कहिंदी हां कि मेरे हलके च जिहड़े पिंडों वोटां वधन गईआं, पहल दी तौर से उन्हां पिंडां च ग्रांटां दित्तीआं जाणगीआं। मैं सुखबीर जी नूं भी आही बेनती करांगी कि सारे पंजाब च जिहड़ी पंचायत श्रोमणी अकाली दल BSP दी वोट वधाउंदी है, पहल की तौर से उन्होंने ग्रांटा भेजो, क्योंकि बहुत उम्मीद के नाल सरपंच बनते हैं, लेकिन कांग्रेस ने ध्वनि किसी को नहीं दी। बेचारे सरपंच भी तपे हुए हैं, क्योंकि पंजाब से कोई विकास नहीं होया। आज कांग्रेस होए जिन्होंने लोगों को धोखा दिता, झूठ मार के वोटा लुटिया, तो हरेक वादे तो मुकर गए। चन्नी आप दे घर से तो करोड़ा कमा गया, एक रिश्तेदार के घर चो जिन्नी वड्डी रकम मिली है, तो चन्नी को 5 साल होर राहुल गांधी कहता लुटन मौका दियो, ते ओ महा ठग दिल्ली वाला केजरीवाल जिहड़ा कहिंदा है कि एक मौका मैनू दे दिओ ताकि मैं जिन्ना पानी हलफनामा जिहड़ा मैं सुप्रीम कोर्ट च दिता है पंजाब दा, बाकी पानी वे मैं लुट के लै जां। दिल्ली च किसी नूं पेंशन नहीं मिलती, किसी नूं शगन नहीं मिलता, किसी नूं आटा दाल नहीं मिलता। ये दिल्ली मॉडल जिहड़ा इत्थे लागू करना चाहते ने, इस मॉडल तो आपां बच के रहिए। अगे ही कांग्रेस ने जो मिलता सी कार्ड कटते, पेंशन बंद करती, शगन रद्द करते, तो ये केजरीवाल ने तो बचा कुचा सारा निकाह के जिवें हुण दिल्ली के खजाने तो पंजाब से प्रचार करके झूठे सर्वे लगा रहे हैं, फिर पंजाब की सहूलत सारी बंद करके किसानों नूं मोटरां दे बिल लगा के साडा पैसा लुट के वो जाके आपनी प्रधानमंत्री की लड़ाई पूरे हिंदुस्तान से लड़ूगा। ये बाहर के ठगियों तो सचेत रहिए। अपनी पार्टी श्रोमणी अकाली दल जिथे ताईं तुसीं पहुँच कर सकते हो, जिन्हां दे कामकाज तुसीं देखे ने, जिन्हां दी सहूलत तुहानूं मिलदियां सीगियां, अज उन्हां नूं कामयाब तुसीं करो। ते मैं दवे नाल कह सकदी हां लड़ाई किसे नाल नहीं है, इन्हां दे पेड प्रचार एक पासे है ते श्रोमणी अकाली दल एक पासे हैगा, बस लोकी ओहदा मुकाबला करन पेड प्रचार। ਵੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਆ, ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੇੜੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਦੋਗੇ? ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਜੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ। ਚਲੋ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਰੂਪੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚੋ ਤਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗਾਂ 5 ਸਾਲ ਵੀ ਆਈ ਚੱਲੂਗਾ, ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਖਿੱਚੂਗਾ, ਚੰਨੀ ਆਪਣਾ ਖਿੱਚੂਗਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਖਿੱਚਣਗੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਰੇਤਾ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਫ਼ਤ ਚੰਨੀ ਸਾਰਾ ਰੇਤਾ ਵੇਚ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਮਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਓ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਤਹਿਲਕਾ ਕੇ ਲੀਏ ਮਾਨਸਾ ਸੇ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ।